Hi friends, today I'm gonna make Muradabadi dal, and this is a recipe from Umesh Dutt ji. So let's see what magic I will do today. Ingredients for Muradabadi dal: this is moong dal 1 cup, chunky chaat masala, hing, adrak, mirchi, dhania, bhuna hua zira, namak, lal mirch, sukhi sabut mirchi, kala namak, and garam masala. ये मैंने एक कप मूंग की दाल को भिगो लिया है, जो कि भिगोना चाहिए 2-3 घंटे के लिए, लेकिन मैं इंस्टेंट मूड बना था बनाने के लिए, इसलिए मैंने इसको भिगो रहा हूँ आधे घंटे के लिए। मैं साबुत जीरा को भून रहा हूँ तवे के ऊपर, और इसके बाद इसको ऑब्वियसली पाउडर बनाऊंगा। सोख मूंग दाल को, जो कि एक कप है, 3.5 कप पानी के अंदर प्रेशर कुकर में 3 विसल, ओनली सॉल्ट एंड हींग, चुटकी भर से ज़्यादा। 3 विसल दलवाएंगे ऑन हाई फ्लेम, और उसके बाद 10 से 15 मिनट मैं इसको और पकाऊंगा ऑन लो फ्लेम। मेरी दाल अच्छे से बन चुकी है, लेकिन बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो चुकी है, शायद मेरे ही प्यार में कमी थी, मतलब पानी में। तो मैं इसमें आधा कप पानी डाल के और 15 मिनट के पका दूंगा, ताकि ऊपर मलाई आ जाए। डोंट वरी। एक चम्मच देसी घी के अंदर मैं ये साबुत लाल मिर्च को बना लूंगा। इस दाल के साथ मट्ठी या बाथू वाली पूड़ी, वो ना हो तो मेथी वाली पूड़ी जमती है। मेरी दाल के ऊपर मलाई आ गई है, तो दैट मीन्स इट्स एन इंडिकेशन आई कैन पुट इट इनटू द सर्विंग वेसल। मैंने अब दाल एक बोल में सर्व कर लिया है, इसके ऊपर मैं डालूंगा ज़रा सी, बिल्कुल ज़रा सी हींग, क्योंकि मैं पहले हींग डाल चुका हूँ। उसके ऊपर मैं डालूंगा भुना हुआ जीरा, गरम मसाला, काला नमक, खूबसूरत रंग के लिए लाल मिर्च, धनिया, हरी मिर्च, चाट मसाला, अदरक, नींबू, एक छोटा सा टुकड़ा मक्खन का, एंड इट्स रेडी। एक और चीज़ भूल गया, तोड़कर लाल मिर्च बीजों के साथ इसमें डाल देंगे। नाउ इट्स फिनिश्ड। मुरादाबादी दाल विद बथुआ पूड़ी, मेरी खूबसूरत दिल का राज, खूबसूरत खाना। अपना बनाइए और ज़रूर खाइए।